तो अभी हो चुका है मकबरे का टाइम और हम दो हमारे दो कैसे हैं आप सब। ये रहे मसाले और ये रही अम्मी। हम भी बिल्कुल ठीक है और यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बिरयानी के लिए पहले मैंने चावल चढ़ा वो पानी रख दिया है। पानी में डाला है थोड़ा सा ऑयल, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और तेजपात के पत्ते और इसे हम खूब उबाल लेंगे। और जब ये पानी उबल जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे, जो चावल हमारे दो घंटे पहले भिगो के हमने रख दिए थे। ये क्लिप सीधी बनाई थी, मुझे नहीं पता ये उल्टी कैसे चल रही है। फिलहाल मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ बनाई थी बिरयानी, तो ये बिरयानी के चावल पहले मैं उबाल के इन्हें वो कर रही हूँ, फिर इन्हें हम उबल जाएगा पानी तो हम इसमें चावल डालेंगे और फिर हम इन्हें छान लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि आप कम है या ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये जब पानी उबल जाए तो इसमें चावल डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ते। यहाँ हुसैन कर रहा है मेरे साथ मस्ती। अब आप लोगों को पता लग गया होगा क्या बना रही हैं अम्मी, जिनको नहीं पता अभी अभी रुक जाइए। और वो रहे भीगे हुए। जिन लोगों को समझ में नहीं आया था क्या अम्मी ने क्या बनाया है वो आप देख के देख लें। अम्मी ने बनाई है आज बिरयानी कोयला बिरयानी। मुंह में आ गया पानी। अजान है क्या तुम दोनों? साथ आए हमारे पास क्या खाएंगे? हुसैन कम ला। थोड़ी ठंडा पानी था। जमा होने दे, जमा होने दे। चक्कर जाम क्या आ रहा है? गमला रख बाहर को गमला। है? गमला। हाँ गमला। चप्पल उतार मेरे को पहले। डिनर की तैयारी, प्याज काट ली है, अंडे और अम्मी आज बनाएंगी। अम्मी क्या बनाओगी? आमलेट वो वाली, वो दूसरी वाली, भुजी वाली। धूल देखो जरा, धूल इतनी है कि सारा दिन भी अगर सफाई करो और 5-10 मिनट के बाद देखोगे फिर धूल आ जाएगी। दिखा दो
देखिए ये पिंक वाला कितना गंदा हो गया है। तो अब हम यहाँ करेंगे चॉपर से, और यह है हरी मिर्ची का डब्बा ताजी ताजी, बहुत मस्त हो जाएंगे ना। तो हम यहाँ धोलेंगे और प्याज भी धोलेंगी और डाल देंगी इसमें प्याज, प्याज और पत्ती। बहुत दिन में यूज हो रही है चॉपर, एक महीने बाद और कई महीने बाद, अरे एक हाँ ईद में था, ईद में यूज किया था। मैं क्या करूँगा, अटक गया अटक गया ये तो, फिर से खोलो और बंद करो। अरे अटक गया है वो, खोलो ज्यादा ही भर दिया कुछ, देखना ब्लेड में फंसा पड़ा था। गलत तो ना लगे, ऐसे तो लगे है। बहुत दिनों में डालना है, ज्यादा हो गई लग रही है थोड़ी सी। फेस आ गया को बस खोल के देख, खोल के तेल है ये कढ़ाई हो चुकी है गरम, अब हम डालेंगे तेल। हम लोग ज्यादा लोग हैं इसलिए हम अम्मी इतने सारे एग डालेंगी। ये दूसरा गया एग, ये तीसरा एग, चौथा और ये पांचवा, साथ में तेल की झड़े भी हैं। देखिए लॉक ना लगा, अगला पांचवा अम्मी की हालत। हमारी प्याज और मिर्ची फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे अंडे। अभी नहीं है, थोड़े से और कर लेंगे। कब तक कब इनकी पोजीशन हो जाए, तक कब तक करनी है? लाल दोनों चीज सुरख, और ये हो चुके हैं थोड़ी सी सुरख, अब हम इसमें डालेंगे अंडे। डाल दिया अब इसमें अंडे, यहाँ मैं बैठी हूँ बाहर, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सारा काम करके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर को बाहर ताकि ज़रा सा सुकून मिले, वरना पसीने में तर हो रही थी। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।